हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत, बीए सेकेंड ईयर में दोस्तों मध्यकालीन इतिहास, जी हाँ दोस्तों, आपका बीए फर्स्ट ईयर में भी कुछ छात्रों की यूनिवर्सिटियों में जो है बीए फर्स्ट ईयर में भी मध्यकालीन इतिहास को पढ़ाया जा रहा है, वो साथ में किसी किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में भी आपको देखने को मिल सकता है। इनके अलावा एमए बीकॉम बीएससी या बीएएलएलबी को जो छात्र कर रहे हैं, जिनके सिलेबस में भी मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस में मध्यकालीन इतिहास का वाला जो सब्जेक्ट विषय है, तो वो बिल्कुल निश्चिंत तो होकर के सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए तो ये उपयोगी है ही है। साथ में दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है, साथ में उन सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से ये सीरीज महत्वपूर्ण होने वाली है, उपयोगी होने वाली है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे मंगोल आक्रमण पर, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा सेशन 8वां सेशन होने जा रहा है। काफी दिनों से ये होल्ड पर था, और होल्ड पर रहना और कंटिन्यू रहना ये सब आप लोगों पर ही निर्भर करता है। आपके अगर शेयर मिलते रहेंगे, व्यूज अच्छे आते रहेंगे, तो दोस्तों सभी विषय कंटिन्यू होते रहेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है, जब आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो हमें मजबूर होकर के सेशन को होल्ड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोगों की डिमांड पर ही फिर से इस सेशन को हमने कंटिन्यू किया है। अगर आप लोगों का सहयोग इसमें बना रहा, आपके व्यूज अगर मैक्सिमम आते रहे, तो दोस्तों ये सीरीज पूरी कंटिन्यू रहेगी और इसे जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगोल आक्रमण पर, भारत पर मंगोल आक्रमण, जैसा कि हम सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे हम बताने वाला हूं मैं आपको। इससे पहले जो नए छात्र हैं वो विशेषकर सुन ले कि आप लोगों के लिए, अगर आप कोई यूपीएससी करना चाहते हो या स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो दोस्तों, तो हमारे ही द्वारा प्रज्ञान हिंदी नाम का एक दूसरा प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है। वहां से सभी विषयों की तैयारी आप हमारे साथ में पूरी तरह निःशुल्क रूप से नोट्स के साथ कर सकते हो। अगर दोस्तों आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार जरूर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर प्रज्ञान हिंदी पर आकर जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट यूनिट हमारे इसके अंतर्गत चल रहा है। फर्स्ट यूनिट में अब तो क्या है कि काफी ज्यादा समय से इसको होल्ड किया हुआ था, इसलिए हमारे दिमाग से भी निकल चुका है कि कौन सा टॉपिक चल रहा था। दोस्तों, इसमें हम फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक को, यार पेन भी, फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। सेकेंड में हमने बात की थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसका सुदृढ़ीकरण, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को पढ़ा था। थर्ड टॉपिक में हम रजिया सुल्तान को भी कंप्लीट कर चुके, रजिया सुल्तान और बलबन को, क्लियर है दोस्तों। फोर्थ टॉपिक, चौथा टॉपिक था अलाउद्दीन खिलजी की विजय और सुधार, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का अर्थात इस यूनिट फर्स्ट का इकाई एक का ये आखिरी टॉपिक है मंगोल आक्रमण, ठीक है ना। मंगोल आक्रमण, इसके द्वारा हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की। आज के टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको जरूर नोट डाउन कर ले। अपनी आपके पास जो भी नोटबुक है उसमें नोट डाउन जरूर कर ले, और पहले इनको अच्छे, इन तीनों क्वेश्चनों को वीडियो को होल्ड करके अच्छे से रीड आउट कर ले। इनसे संबंधित ही टॉपिक हमें अंदर पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न अगर आप पहले पढ़ लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी डिमांड क्या है, टॉपिक के अंदर आपकी डिमांड क्या है, उसका आपके माइंड में वो जो है स्टोर हो जाती है, और पूरे सेशन में इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास आपका माइंड अपने आप करता रहेगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं शुरुआत सेशन की। तो दोस्तों, शुरुआत में ही आज के टॉपिक का सारांश क्या है, अर्थात कि इस पूरे लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, विशेषकर तीन बिंदुओं पर हम विशेष फोकस करेंगे। इसके अंतर्गत तीन बिंदुओं पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी व्याख्या, उसके बाद भारत पे मंगोल आक्रमण, व्याख्या भारत पर मंगोल आक्रमण, और लास्ट में देखेंगे दोस्तों मंगोल आक्रमण के क्या परिणाम हुए, इन पर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मंगोल आक्रमण की व्याख्या, कौन थे ये मंगोल और क्यों इनके कारण भारत के इतिहास पर इतना विशेष प्रभाव पड़ा, क्यों इनको इसमें पढ़ा जाता है। तो दोस्तों ये समझिए कि जो मंगोल थे ये ऐसे आक्रमणकारी थे
जो कि पूरी निर्दयता के साथ में, बर्बरता के साथ में जहां पर भी आक्रमण करते थे वहां पूरी तरह से तबाही मचा देते थे। ठीक है, खून खराबा, काटा काटा मारी, और इतना खून खराबा होता था बस्तियां पूरी जला दी जाती थी। ठीक है, पूरी तरह से जहां पर भी ये आक्रमण करते थे सिर्फ और सिर्फ विनाश करते थे, सिर्फ विनाश करते थे। पहले लूटेंगे, लूटने के बाद में उसको पूरी तरह समाप्त कर देते थे जला करके। ठीक है, और हत्याओं की अगर हम बात करें तो ये समूह में हत्या करते थे दोस्तों, वहां पर बच्चे भी होते थे, बच्चों की, महिलाओं, बुजुर्ग, चाहे कोई भी हो, इनको सिर्फ हत्या में आनंद मिलता था। ये एक ऐसी जाति ही थी। ठीक है ना, तो इसी दृष्टिकोण से जरा इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। आइए स्लाइड बाय स्लाइड इसको कंप्लीट करते चलते हैं, जिससे आपकी कंफ्यूजन नोट्स पढ़ते वक्त भी ना रहे। मंगोलों की शक्ति का विस्तार दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय में ही हो चुका था। समझिए इसको, दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई थी, दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई थी उस समय में ही मंगोलों की शक्ति का प्रभाव स्थापित हो चुका था। मंगोल आक्रमण का भय, इसका अर्थ क्या हुआ कि मंगोल लोगों के आक्रमण का भय दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हो रही थी या हो चुकी थी उस समय से ही इनका भय बना हुआ था। मंगोल शक्ति के कारण ही, इन मंगोलों के आक्रमण के भय के कारण ही, इस शक्ति के उदय के कारण ही मध्य एशिया के जितने भी मुस्लिम राज्य थे वो टूटना, वो उनका बिखरना अर्थात उनका विघटन शुरू हो चुका था। मंगोलों के आक्रमण के भय से मध्य एशिया में कौन कौन आएगा दोस्तों? मध्य एशिया में भारत आ जाएगा, साथ में अफगानिस्तान आ जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान वाले जितना पूरा क्षेत्र है, ये पूरा दोस्तों जो बीच का क्षेत्र है पूरा मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है, तो ये पूरा क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में मंगोलों के आक्रमण का इतना ज्यादा भय स्थापित हो चुका था कि उसमें जितने भी मुस्लिम राज्य थे, जितने भी मुस्लिम शासन थे, सबके सब इनसे आतंकित थे और उन राज्यों का विघटन अर्थात आपस में टूटना प्रारंभ हो चुका था। इन राज्यों के जो राजवंशी पुरुष थे, सेनापति, अधिकारी और जो इन राज्यों के विद्वान, इन मंगोलों के आक्रमण से डर करके और इधर उधर भागना इन्होंने अर्थात पलायन प्रारंभ कर दिया था। दिल्ली सुल्तानों के शरणार्थी बन गए, दिल्ली में जाकर के दिल्ली सुल्तानों से सहायता मांगने पर ये मजबूर हो गए थे। यहां तक कि दिल्ली सुल्तानों के जो प्रमुख खलीफा के वंशज थे वो भी दिल्ली सल्तनत पर ही आश्रित हो चुके थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मंगोलों के आक्रमण का भय इतना ज्यादा था उस समय में कि जितने भी मुस्लिम साम्राज्य था, जितना भी मुस्लिम शासक थे, सबके सब इनसे आतंकित थे, सब आतंकित थे और जो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे वो भी दिल्ली सल्तनत के शरणार्थी बनते चले गए, अर्थात दिल्ली सल्तनत से शरण मांगते चले गए। ठीक है, मंगोल लोग बड़े ही खूंखार लोग थे, ये लूट मार करके और विनाश करके इसी से आनंद प्राप्त करते थे। ये जंगली ढंग से बस्तियों को जलाकर सामूहिक हत्याकांड किया करते थे, जंगली ढंग से बस्तियों को जलाकर, लूट मार करने के बाद में बस्तियों को जला करके और सामूहिक रूप से हत्याकांड करते थे। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारियों ने 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत की पश्चिम उत्तर की जो सीमा है दोस्तों, भारत की पश्चिम उत्तर की सीमा को असुरक्षित कर दिया था। इसका अर्थ हुआ कि मंगोल आक्रमण के डर से भारत का जो उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र है, जैसे कि आज वर्तमान भारत में पंजाब को ले लीजिए, जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है ये पूरा पश्चिम उत्तर की सीमा कहलाती थी भारत की, ये पूरा क्षेत्र इन मंगोलों के आक्रमण से बहुत ज्यादा आतंकित हो चुका था। ठीक, मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली का कोई भी सुल्तान शांति से शासन नहीं कर सका, अर्थात कि दिल्ली में जितने भी सुल्तान हुए हैं सभी सुल्तानों को मंगोलों से सामना करना पड़ा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये तो थी व्याख्या, एक सामान्य सी व्याख्या। अब हम इसमें बात करेंगे मंगोल आक्रमण किस किस राजा के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ है। दोस्तों एक सेकंड रुकिएगा। ओके, तो इसमें मंगोलों के आक्रमण, भारत पर मंगोल आक्रमण, तो दोस्तों जो आपको स्लाइड में ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन सब बिंदुओं में हमने एक एक पॉइंट में किस किस सुल्तान के समय में, किस किस राजा के समय में
मंगोलों के आक्रमण हुए हैं उसकी लिस्ट दी गई है सामने, ठीक है ना। तो एक एक को सेपरेटली हम इसको जरा देख लेते हैं, एक नजर में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश के समय में जो आक्रमण हुआ मंगोलों का, तो उसको जरा सबसे पहले हम देख लेते हैं, जिससे हमारा ये पूरा टॉपिक क्लियर होता चले। एक मिनट हो जाए यार। ओके, सदियों तक संपूर्ण एशिया और यूरोप मंगोलों की शक्ति से आतंकित रहे। वे जहां भी गए वहां सभ्यता का विनाश हुआ। यह लोग मध्य एशिया की एक निर्दय जाति के लोग थे। कहां के दोस्तों? मध्य एशिया की निर्दय जाति के लोग थे जो असभ्य थे। लूट मार और हत्या करके इनको आनंद प्राप्त होता था। और इन्होंने जिन जिन सुल्तानों के समय पर आक्रमण किए वो सुल्तान इस प्रकार है। क्लियर है? चलिए सबसे पहले सुल्तान की बात करें दोस्तों, तो इल्तुतमिश के समय में जो आक्रमण हुआ वो चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था। चंगेज खां कौन था दोस्तों? मंगोलों का सरदार था चंगेज खां। तो मंगोल पहली बार अपने सुविख्यात सरदार चंगेज खां के नेतृत्व में भारत की सीमा पर पहुंचे थे। किसके नेतृत्व में? चंगेज खां के नेतृत्व में। कब दोस्तों? 1155 से 1227 ईस्वी के मध्य में, मतलब 1155 से 1227 का समय जो था उस समय में मंगोलों का सरदार कौन रहा दोस्तों? चंगेज खां। ठीक है, तो चंगेज खां ने थोड़े समय में ही चीन को रौंद डाला, मतलब चीन पर आक्रमण किया और वहां पर लूटमार करके और वहां की बस्तियां पूरी तरह से उजाड़ दी, जला दी। ठीक है, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के अनेक देशों को समाप्त किया और उजाड़ दिया। 1221 में ख्वारिज्म के शाह को सिंध नदी के पास पराजित किया। और ये जो ख्वारिज्म के साथ है जलालुद्दीन, इसने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, परंतु इल्तुतमिश ने सहायता देने से साफ मना कर दिया चंगेज और उसके साथी। लेकिन इसके बाद में होता क्या है कि जलालुद्दीन को जो है चंगेज खान ने परास्त कर दिया, परंतु और भारत पर आक्रमण कर नहीं कर पाया चंगेज का। उसका कारण ये रहा कि चंगेज का और इसकी जो सेना थी ना, ये लोग ठंडे प्रदेश के थे, इनको भारत की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, इस कारण से ये वापस सिंधु पार करके वापस लौट गए, सिंधु नदी पार करके वो वापस चले गए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां का आक्रमण हुआ। ठीक, इसके बाद का आक्रमण था दोस्तों बहराम शाह के समय में। बहराम शाह के शासनकाल में आक्रमण हुआ और इस समय मसूद था अहम इनका मुखिया, मंगोलों का मुखिया। तो चंगेज के आक्रमण के बाद में मंगोल कुछ समय तो चुप रहे, परंतु कुछ मंगोल उसी समय में जब चंगेज खान ने आक्रमण किया था भारत पर, उसी समय में कुछ मंगोल जो है वही भारत में ही बस गए, सिंधु पार करके और वहीं बस गए थे। अब जो लोग भारत में बस गए थे उन्होंने देखा कि दिल्ली पर जिस राजा का शासन था वो काफी कमजोर है, और उसी कमजोरी का इन लोगों ने फायदा उठाया और 1241 के समय में 1241 में वे पंजाब तक आ गए। धीरे धीरे ये मंगोल लोग जो भारत में बस गए थे वो पंजाब तक आ गए और लाहौर के सुंदरबन को बर्बाद कर डाला। पंजाब के अलावा मुल्तान और सिंध को भी ये लोग धीरे धीरे लूटने लगे। इसी प्रकार से इसके लगभग 3 से 4 साल बाद ही 1245 में जब मसूद सुल्तान बना तभी चंगेज के पोते मंगू के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में आना प्रारंभ कर दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह ने बलवन के साथ मंगोलों का सामना किया और मंगोलों को परास्त करके और वहां से भगाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखिए, यहां दो सुल्तान रहे हैं, बहराम शाह और मसूद। ठीक है ना, बहराम शाह और मसूद। तो इस प्रकार से मंगोल धीरे धीरे भारत में अंदर बढ़ते चले गए। हालांकि चंगेज खां तो वापस चला गया था, लेकिन दोस्तों चंगेज का पोता मंगू यहीं पर भारत में ही बसकर रह चुका था और उसी के नेतृत्व में फिर भारत पर आगे आक्रमण हुए। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद। तो मंगोल मसूद से पराजित होने पर भी भारत में आते रहे। मसूद से पराजित होने के बाद भी मंगोलों ने भारत पर आक्रमण करना जारी रखा। 1257 में बलवन अब प्रधानमंत्री बन चुका था। 1257 की कहानी आती है, बलवन जो है पहले सेनापति हुआ करता था, लेकिन अब
यहां पर ये प्रधानमंत्री बन चुका था, उसने मुकाबले के लिए किससे, मंगोलों से मुकाबले के लिए एक बड़ी सेना की व्यवस्था की और मंगोलों से युद्ध करने के लिए भेजी। मंगोल मंगोल इसमें परास्त हुए, बलवन से परास्त हुए और मंगोल वापस लौट गए। ठीक, बलवन ने नए किले बनवाए। अब तक बलवन को समझ आ चुका था कि मंगोलों से, ये मंगोलों को हमने एक बार भगा दिया, ये पुनः आक्रमण करेंगे। इनको कितनी बार भी भगा दो लेकिन फिर से ये बार बार आक्रमण करते रहेंगे। तो बलवन ने दोस्तों यहां पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसने सोचा कि इसका सामना करने की अपेक्षा अब सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाए, और इसी को दृष्टि में रखते हुए उसने कुछ नए किले बनवाना प्रारंभ किए, जो पुराने किले थे उनकी मरम्मत करना चालू की। ठीक है, और साथ ही साथ में शक्ति शक्तिशाली सेनाओं को रखना प्रारंभ कर दिया। सुल्तान के जीवन में इसके बाद कोई दूसरा आक्रमण नहीं हुआ, बलवन के शासनकाल में फिर दूसरा आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों इसके तुरंत बाद में फिर से दिल्ली पर फिर मंगोलों का आक्रमण हो जाता है। दिल्ली में बलवन की सल्तनत के समय खिलाफत का अंत हो चुका था। अब देखिए दोस्तों, जब तक बलवन सुल्तान था ना, उस समय में ही खिलाफत का अंत हो चुका था। खिलाफत का अर्थ क्या होता है कि जो खलीफा था, खलीफा का प्रभाव को ही हम खिलाफत बोलते हैं। तो खलीफा का प्रभाव बलवन के समय में ही धीरे धीरे कम होते होते समाप्त तो होने लग चुका था। ठीक है, तो उसका प्रभाव का अंत कर दिया। उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पर कई आक्रमण मंगोलों ने किए। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के कई मुसलमान शासक अपने राज्यों को छोड़कर बलवन के दरबार में जा पहुंचे। स्वाभाविक रूप से मंगोलों का एक ही लक्ष्य था, दिल्ली में जो मुस्लिम राज्य या मुस्लिम साम्राज्य है उसको समाप्त करना। और इसी उद्देश्य से मंगोल भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर एकत्रित होने लगे। मंगोलों ने लाहौर पर भी प्रभाव स्थापित कर लिया था तथा सिंधु और दिल्ली पर धावा बोलना चाहते थे, दिल्ली पर धावा बोलना चाहते थे। बलवन ने मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण नीति ना अपना करके और सुरक्षात्मक साधनों को अपनाया। सुरक्षात्मक साधनों को मतलब इस प्रकार समझ सकते हो इसको कि बलवन ने मंगोलों से आक्रमण करने की अपेक्षा अपनी सुरक्षा पर ध्यान दिया और अपनी सुरक्षा की व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया। ठीक, अगला आक्रमण जो होता है दोस्तों वो होता है जलालुद्दीन खिलजी के समय में। जलालुद्दीन खिलजी के समय में एक नया अगला आक्रमण होता है मंगोलों का। जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में 1252 में, 1252 में मंगोल नेता अब्दुल्ला ने 1.5 लाख मंगोल सैनिकों के साथ आक्रमण किया भारत की पश्चिम उत्तर सीमा पर। जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए सैनिक प्रतिभा का प्रदर्शन करके मंगोलों को सिंध नदी के पश्चिमी तट पर रोक दिया और मंगोलों को परास्त भी किया। इस प्रकार से पराजित मंगोल नेता अब्दुल्ला ने संधि कर ली। किससे संधि कर ली दोस्तों? जलालुद्दीन से संधि कर ली। इसके बाद जलालुद्दीन के कार्यकाल में कभी भी मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रति सुल्तान के अनुसार जो भी आक्रमण हुए हैं मंगोलों के, तो सुल्तान का विशेष नेतृत्व रहा है इसमें, है ना। जो सुल्तान शक्तिशाली था, जिसने अपनी सैनिक प्रतिभा का या युद्ध प्रतिभा का परिचय दिया, मंगोलों की बड़ी सेनाओं को तक परास्त करके वापस भेजा, तो दोस्तों उसके शासनकाल में फिर दोबारा मंगोलों ने आक्रमण करने की जो है प्रिया करने का प्रयास तक नहीं किया, सोचा तक नहीं। ठीक, इसके बाद में एक और शक्तिशाली शासक का उदय होता है दिल्ली सल्तनत में, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन के काल में जो मंगोल आक्रमण हुए दोस्तों वो इस प्रकार रहे हैं। अलाउद्दीन के शासनकाल में देखिए 1297 से 1306 तक, 1297 से 1306 तक का शासनकाल जो था वो अलाउद्दीन का शासनकाल था। इस काल में 6 आक्रमण मंगोलों के हुए हैं। पहला आक्रमण था कादर का आक्रमण, जो कि 1296 में हुआ था। दूसरा आक्रमण था सल्दी का आक्रमण, जो 1299 में हुआ। नेक्स्ट है कुतलुक ख्वाजा का आक्रमण 1299, तारगी का आक्रमण 1303, अली बेग का आक्रमण 1305, और कबक और इकबाल का मंदा के आक्रमण जो है 1306 में। इस प्रकार से अलाउद्दीन के समय में ये विशेष प्रकार के 6 आक्रमण हुए हैं। 6 आक्रमण के बस आपको नाम यहां पर याद रखना है, दैट्स ऑल। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये जो विशेष सुल्तानों के समय में जो आक्रमण हुए हैं उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मंगोल आक्रमण के क्या परिणाम साबित हुए, मंगोलों ने जो भारत पर आक्रमण किया उसका परिणाम क्या निकला आखिर। तो परिणाम भी दोस्तों जिस प्रकार से इनके युद्ध का भयानक था, जिस प्रकार से इनके युद्ध इनकी नीति जो भयानक थी, उसी प्रकार से इसके परिणाम भी भारत के लिए भयानक ही निकले। और वो भयानक परिणाम कुछ इस प्रकार थे दोस्तों, देखने में समझने में आसान से लगेंगे परंतु थे बड़े भयानक। मंगोलों के आक्रमण, भीषण लूटपाट और नरसंहार से कई गांव नगर या करोड़ों की संपत्ति भारत की नष्ट हो चुकी थी। सुल्तानों ने मंगोलों को परास्त करने के लिए या मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए या जनता को इन आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए जो है दोस्तों अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक निरंकुशता का प्रयोग करते हुए सैनिकों को बढ़ाते हुए दोस्तों निरंकुशता का परिचय दिया इन शासकों ने, सुल्तानों ने। और जनता की रक्षा भी इन्होंने की और इसी कारण से जनता इन सुल्तानों की राजभक्त हो चुकी थी। अब अलाउद्दीन इससे ज्यादा और ज्यादा निरंकुश हो चुका था। क्यों? क्योंकि जनता भी उसके पक्ष में आ चुकी थी। आक्रमणों को रोकने के लिए इन सुल्तानों ने सेनाओं में खूब वृद्धि की। इससे अलाउद्दीन की जो शासन था वो पूरा सैन्य शक्ति पर आधारित हो चुका था। इसके अलावा दोस्तों ये जो सेना, अधिक से अधिक संख्या में सेना को रखना अब इतना आसान तो था नहीं। भाई सेना अधिक संख्या में रखोगे तो उसका खर्च भी बढ़ेगा, तो अब जब खर्च बढ़ेगा व्यय बढ़ेगा तो उस व्यय की पूर्ति भी आपको करनी होगी। तो इस व्यय की पूर्ति करने के लिए कई प्रकार की अनैतिक योजनाओं को अपनाया गया, अनैतिक नीतियों को अपनाया गया। इससे लोगों के आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। भाई अगर सुल्तान सुल्तान खर्च करेगा तो उसका आर्थिक वहन कौन करेगा? जनता को ही करना पड़ेगा। अब जब सेना को बढ़ाया तो सेना के खर्च के लिए अधिक टैक्स बढ़ाने पड़े, वसूली बढ़ानी पड़ी शासकों को। इससे जनता पर आर्थिक रूप से और ज्यादा बोझ पड़ने लगा। अलाउद्दीन ने अपने विरोधी जो सामंत थे और शक्तिशाली सेना नायकों को मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में भेज करके उनका अंत कर डाला। मंगोलों के विरोध में संगठित की गई जो विशाल शक्तिशाली सेना थी उसको अलाउद्दीन ने अलग अलग प्रदेशों में विजय अभियान के लिए भेज दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इनके कुछ ये जो है प्रभाव या कहें कि इनके परिणाम रहे हैं मंगोल आक्रमण के। ठीक है ना, इस प्रकार से मंगोलों का आक्रमण, भारत पर मंगोल आक्रमण की सीरीज हमारी होती है कंप्लीट। इसी के साथ में दोस्तों हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो टॉपिक होगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, पहला टॉपिक है सेकेंड यूनिट का। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों बस आपके सहयोग का ही की ये मान लीजिए प्रतीक्षा रहेगी। आपका सहयोग कंटिन्यू अगर बना रहा, शेयर करते रहिए, अधिकतम व्यूज जब तक आएंगे दोस्तों सीरीज कंटिन्यू मिलती रहेगी आपको। आप जानते हैं दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सेशन आपको लोधाजी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो यार इतना तो आपको करना ही होगा। देखिए आपका जो दायित्व है उसका निर्वहन आपको करना होगा। मैक्सिमम शेयर कीजिए, जब तक व्यूज अच्छे खासे नहीं आएंगे कोई सीरीज कंटिन्यू नहीं हो पाएगी दोस्तों, हम मजबूर है नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दोस्तों ध्यान रहे, थोड़ा सा अपना भी समय दीजिए, थोड़ा सा जब कोई समय विशेष लगता नहीं है, 1-2 मिनट लगते हैं यार शेयर करने में, आप करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ में दोस्तों जो नए दोस्त हैं उनके लिए अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। सभी PDF नोट्स वगैरह या लेक्चर की जो भी लेक्चर होते हैं सबके लिंक आपको वही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।